Hey everyone, welcome back to again SR Editing Zone. दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग स्नैपसीड यानी कि ये वाली फोटो एडिटिंग करने वाले हैं, ठीक है, जो कि शुभ डेविल स्पेशल एडिटिंग है। इसमें दोस्तों मैंने आपको कमाल की फेस स्मूथ ट्रिक दी है जो कि YouTube पर आज तक किसी भी एडिटर ने नहीं आपको बताई होगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ये आज की वीडियो। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो जल्दी से कीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। वीडियो को लाइक कीजिए क्योंकि ये कमाल की ट्रिक ना आपको एडिटिंग का किंग बना सकती है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने स्नैपसीड में फोटो को ओपन कर लिया है, ठीक है, यहाँ सबसे पहले हम फोटो के कंट्रास्ट को बढ़ा लेंगे। ध्यान से देखिए, ओके, देन मेरे भाई फेस स्मूथ करने की न्यू ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। डबल एक्सपोजर में जाकर दोस्तों आपको ये कलर लेना है। जी हाँ, ये कलर, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। इसको पूरा बढ़ा लेते हैं यहां से, देन मेरी जान ओके करके व्यू एडिट में जाना है और फोटो जूम कर लेंगे। अभी डबल एक्सपोजर को 75 पर कर लेंगे, ठीक है, और इस तरह से ब्रश करेंगे, बड़े ही आराम से पूरे पर कर लेंगे। पूरे पर कर लेंगे चश्मे को छोड़कर। इस तरह से आपको ब्रश करना है। ये कमाल की ट्रिक है दोस्तों। ये ब्रश मैं पूरे में कर लेता हूं। So, हो गया पूरा। अभी हम लोग डबल एक्सपोजर को 25 करेंगे और इस तरह से टेक्सचर वापस लाने के लिए ब्रश फिराएंगे। जी हाँ, यहां कान पर, हैंड पर भी ब्रश कर सकते हैं। ये 50 एक्सपोजर के साथ करना है, ठीक है। दूसरे हैंड पर भी मैं कर लेता हूं। ओके, चलिए अभी सिलेक्टिव टूल में जाकर इसके टेक्सचर को हम लोग वापस ले आएंगे। सो मेरी जान, इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे, फेस की ब्राइटनेस बढ़ा लेंगे, देन कंट्रास्ट भी बढ़ा लेंगे और स्ट्रक्चर को भी बढ़ा लेंगे। आप देख सकते हैं ये कितनी गजब की स्किन रिटचिंग हुई है ना कमाल की दोस्तों। देखिए, इस पर लाइक तो बनता, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों। अभी ब्रश में जाकर लिप्स की सैचुरेशन हम लोग बढ़ा लेंगे इस तरह से ब्रश करके। चश्मे पर भी कर लेते हैं, ठीक है। दोस्तों कितनी गजब की स्किन रिटचिंग हुई है। अभी कपड़ों पर चमक डालेंगे, सिलेक्टिव टूल में जाकर इस तरह से कपड़ों को सिलेक्ट करेंगे। और इसके स्ट्रक्चर को हम लोग बढ़ा लेंगे ऐसे, और व्यू एडिट में जाकर इसको कॉपी कर लेंगे। देन मेरी जान इंसर्ट कर लेंगे। आप देख सकते हैं कपड़े काफी ज्यादा चमकदार हो गए हैं सीबी एडिटिंग के जैसे। दोस्तों अभी बैकग्राउंड चेंज करने का टाइम आ गया है, ठीक है। सो डबल एक्सपोजर में जाकर बैकग्राउंड को ले लेते हैं। देन ओके करके व्यू एडिट में जाकर इस तरह से बड़ी ही बारीकी से बैकग्राउंड चेंज करेंगे आराम आराम से। देखिए, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका, ठीक है, मैं जल्दी से कर लेता हूं। देखिए, अगर आपको बैकग्राउंड चेंज करना नहीं आता है ना,
तो हमारे चैनल पर इससे रिलेटेड वीडियोस हैं, आप उनको आराम से देख सकते हैं जिससे आप ये सीख पाएंगे। सो चलिए, हमारा बैकग्राउंड चेंज हो चुका है, आप देख सकते हैं कितना अंतर आ गया यार, गजब की एडिटिंग हुई है। दोस्तों, अगर आपको हेयर भी एडिट करने हैं तो आप ऑटोडेस्क ऐप का यूज कर सकते हैं। यहाँ टूल विज ऐप का यूज करके हेयर पीएनजी में लगाऊंगा। उससे पहले देखिए, फोटो की ब्राइटनेस हम थोड़ी सी कम कर लेते हैं। सो अभी हेयर पीएनजी ले लेंगे, टूल्स में जाकर ब्लेंडिंग मिक्सर ऑप्शन से इस तरह से हेयर पर पीएनजी लगा लेंगे। एंड भाइयों, इस तरह की हेयर पीएनजी का जो लिंक है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। बाकी देखिए, हमारी फोटो एडिट हो चुकी है, कमाल की लग रही है। तो आप भी एडिटिंग करते रहें, सीखते रहें, याद रखें, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, सो डोंट फॉरगेट इट। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग हैं जो मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। एंड मेरी जान, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर मेरी जान।